कमलेश प्रजापति हत्याकांड से जुड़ी कुछ मेन बातें बताएंगे नारायण जी प्रजापति नागौर, जिन्हें आप सब जानते हैं। प्लीज वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ वीडियो अधूरा रह गया था, मैं पुनः वापस आपसे बात करूंगा हनुमान जी से। एक बार सारे लोग जो आए हुए हैं उनके भी जान लीजिए, ये सारे लोग बैठे हैं मेरे यहाँ, बाड़मेर में बैठा हूँ मैं, जोधाराम जी भी बैठे हैं और भी भाई लोग बैठे हैं, ये सारे लोग मेरे पास बैठे, काफी लोग बैठे हुए हैं, हम लोग एक जगह बैठे हैं सारे लोग। हनुमान जी मेरे साथ वापस जुड़ गए हैं। हनुमान जी, कम से कम ये हम लोग सभी लोग अपने अपने संगठनों में और लेटर पेडों पर सांसदों को, एमएलए को, एमपीओ को ज्ञापन देना आरंभ कर दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उससे राज्यसभा सांसद हाँ और लोकसभा सांसद, इनको संगठन के स्तर पे आप निवेदन कर सकते हो लेटर भेज करके, और ये अपना राइट है, ये अपना राइट है। उससे कोई नुकसान वगैरह तो कुछ नहीं होगा? किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं। मैंने तो आपको कहा ना कि मैं तो एक आपको सबसे बड़ी बात कहूं कि बाड़मेर की धरती पर न्यायप्रिय समाज को 36 कौम ने मिलकर के आवाज उठाई और वो आवाज राजस्थान सरकार को गई। राजस्थान सरकार ने अब इस आवाज को, कमलेश हत्या कांड को, पूरे राजस्थान की आवाज बना करके केंद्र सरकार में डाल दी। अब केंद्र सरकार भी वहां, इतने तो सांसद बैठे हैं, राजस्थान के भी 25 सांसद बैठे हैं, राज्यसभा सांसद के भी राजस्थान के बैठे हैं, तो उन्हें सब पता है कि भाई किस प्रकार हमारे साथ अत्याचार हुआ। और अत्याचार में ये बात जरूर है कि हमारे युवाओं के जोश भी है, जुनून भी है, पर इस जोश और जुनून को हमको कायम रखते हुए, वीडियो को शेयर करें दोस्तों जी, इस प्रकार हमें एक व्यवहारिक तौर पे एक कानून और संविधान के दायरे में रह करके हमें इसका विरोध करके, और सीबीआई जांच की अनुशंसा जो की गई है वो हमारे केंद्र सरकार हमें दे सीबीआई जांच, जैसे हमारी मांग जैसे एक नारा मैंने दिया था, हो सकता है मैं गलत हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार मैं ही सही रहूँ। जी जी, मैंने एक नारा दिया था कि भाई गांव गांव डाणी डाणी में हम लोग एक बैनर लगवा दें। जी जी, बैनर का अर्थ तो ये होगा कि बुरा मंत्र मानना मेरी बात का, थोड़े मेरे शब्द कड़वे हैं जी जी, कुत्तों का और नेताओं का जी, कुमारों के घर में प्रवेश वर्जित है जब तक कमलेश प्रजापति को न्याय ना मिले। जी जी जी, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल खिलाफ हूँ जी जी, क्योंकि राजनेता और समाज के लोग, समाज के लोग मिलकर के ही राजनेता बनाते हैं। अब राजनेता कुछ एक लोग खराब हो सकते हैं, राजनेताओं ने तो इस धरती पर राज किया, हर उस इतिहास देख लो, हमारे अध्यक्ष प्रजापति, लेकिन तो नहीं एक राजनेता थे। मैं वो नहीं कहना चाहता साहब के हमारे समाज में ये पहली बार इतनी बड़ी जांच हमें अनुशंसा मिली, नंबर एक बात। जी जी बिल्कुल। दूसरी बात, हर समाज के साथ हर बार धोखा होता है। जी जी होता है, क्योंकि सबको पता है कि कुमार समाज को कैसे डरा देंगे, धमका देंगे, मना लेंगे या किसी भी प्रकार से इनको रोक लेंगे। ऐसा इस कांड में नहीं, पिछले कांडों में हुआ है। जी जी जी। और मैंने कम से कम 50 कांडों में ऐसी बातें भी देखी है। जी जी। तो समाज का एक इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि यार इस बार भी अगर हमारे साथ ऐसा हो गया, देखो तुम्हारी मौत आ जाएगी। देखो इस बार ऐसा अगर हो जाता है, राजस्थान सरकार ने तो ऐसा किया नहीं, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा करेगी नहीं, अगर कर देती है तो हमारा जोश और जुनून कितने हद तक गुजर जाना पड़े उस हद तक हम गुजरेंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि समय बीत जाने के बाद कुछ नहीं होगा। नहीं, समय बीता नहीं, समय शुरू हुआ है। समय बीत जाना हम कैसे कहेंगे कि जब केंद्र सरकार के पास जांच पहुंची है, सीबीआई जांच अनुशंसा पहुंची है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सीबीआई जांच अनुशंसा को एक्सेप्ट करके अगर आपको, देती है। जी सर, आपको मैं ये कह रहा था, मैं देखो कि जैसे अपने समाज के नेता जैसे मदन जी है, जी जी, वो अगर अपने कुमार समाज के घर में आते हैं या और भी समाज के जो लोग आते हैं जी, तो उनके लिए हम लोगों ने ये इसलिए नहीं कहा है जी कि वो हमारे समाज के बेटा भाई पिताजी बनकर हमारे घर में आ सकते, जरूरी नहीं कि उनको नेता बनकर आना। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा जो तात्पर्य था दोस्तों, वीडियो को शेयर करना, कुत्तों का मतलब मेरा ये नहीं था कि आपको पता हो आनंद बाल का एक कांड हुआ था। जी जी हुआ था। मेरे नागौर की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी जी। मेरे नागौर के कई गांवों में जी जी बीजेपी के लिए राजपूत समाज ने एक लगाया था बैनर जी कि बीजेपी का और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। जी जी जी। और उससे उनको जहां तक मुझे लगता है उनके टिकट मिले या उनको क्या मिला क्या क्या नहीं मिला, सरकार उनके आगे झुकी थी। जी जी। तो मैं उस चीज को देख करके मैंने भी सोचा, देखो कि सक्षम जातियों से हमें सीखने को मिलता, मैं उनको गुरु मानता हूँ, गालियां नहीं देता। जी जी जी। तो सक्षम जातियों ने हमें ये सिखाया कि अगर आप अपने वोट को जी जी अपनी जेब में रख लेते हो जी, और नेताओं को ठुकर मार देते हो जी, तो शायद आने वाले समय में भी आपके साथ कभी अन्याय हो तो आपकी सुनवाई तुरंत हो जाएगी। मैं इसके भी खिलाफ हूँ सर। जी बताइए। पूर्ण रूप से इसके खिलाफ। बताइए कैसे। मैं ये कह रहा हूँ कि एक समाज जी जी 36 कौम बिना साथ सीओ के भारत का निर्माण नहीं होता, किसी समाज का निर्माण नहीं होता, किसी राज्य का निर्माण नहीं होता।
और रही बात कोई जो बुरे हैं उसको तो 36 ही कौम खड़े होकर के बुरा कहेगी। जैसे बलराम जी अध्यक्ष हैं अपने जी जी जी। और पीड़ित परिवार ने बलराम जी पे भरोसा जताया जी जी। आप जो बातें कह रहे हैं ये मैं आपके मुख से मानूं या बलराम जी के श्री मुख से मानूं? ये बलराम जी की पावर ऑफ अटॉर्नी पे मेरे मुख से मानिए। ठीक है, तो बलराम जी इस बात में सहमत होंगे? कल बलराम जी ये नहीं कहेंगे कि भाई आपने उनसे इंटरव्यू क्यों लिया? नहीं, यथासंभव जब उन्होंने मुझे कहा है कि आप इंटरव्यू दे सकते हैं तो मैं उनकी सहमति और अनुमति से दे रहा हूँ। समाज को कहाँ कहाँ धैर्य रखना है, एक 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 शब्द विस्तार से आप बताएंगे, कहाँ कहाँ उनको संयम रखना है जी, जी, और जी, कितना जी, उनको काम करना है और नारायण प्रजापति नागौर को भी इसमें कब और किस प्रकार काम करना है वो आप एकदम विस्तार से बताएंगे। देखो पहले युवाओं को और बच्चों को बताएं। देखो युवाओं और दोस्तों मेरी बात सुनिए आप, समाज के साथ जब जब अत्याचार होता है उस टाइम में समाज ही एक पैर पे खड़ा होकर के तैयार होता है, उसमें सभी जातियों का सभी लोगों का सहयोग लेकर के चलना पड़ता है। फिलहाल इस कांड के अंदर सीधे केंद्र सरकार को अनुशंसा कर दी गई और केंद्र सरकार जब तक एक्सेप्ट कर रही है या क्या कर रही है वो अपने को इस जो टाइम लग रहा है इसके लिए हमें वेट करना चाहिए। किसी भी प्रकार को हमें जोश तो रखना चाहिए पर होश भी तो नहीं खोना है। इसके साथ साथ में अपने को व्यवस्थित होकर के धैर्य संयम शीलता ये सब रखते हुए ये न्याय हमें लेना है। अब जैसे कल से एक नाम आ रहा है हरीश जी चौधरी का जी जी जी, कल जी राजस्थान पे मैंने एक पोस्ट देखी जी 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 जिसमें कहा गया था कि भाई हरीश जी चौधरी 3 दिन से दिल्ली में बैठे हैं जी जी और वो इस अनुशंसा को रुकवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जी जी। इसमें कहाँ तक सच्चाई है और कैसी सच्चाई है आपके हिसाब से? मैं ये कहता हूँ कि सच्चाई कितनी है और कितनी नहीं है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि जब CBI जांच मिल रही है तो अपने आप जांच के माध्यम से आ जाएगा, जो दोषी होगा वो खुल करके सामने। नहीं नहीं, जैसे वो राजस्व मंत्री है जी जी, तो उनके दबाव में जी, मतलब ये मेरा नहीं मानना है, पूरे समाज की तरफ से पूछ रहा हूँ मैं जी जी, मेरे दबाव में जी, या मान लो उनके, क्यों राजस्व मंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है, होता है बिल्कुल होता है, ठीक है ना। मैं नहीं कहता वो गुनहगार है या मैं नहीं कहता वो सही है, मैंने जी राजस्थान पे जो लिखा अगर आया और अगर वो सही होता है और जांच रोकने में अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी मतलब हानि हो जाएगी। नहीं, आप कहाँ तक लगता क्या वो रोक पाएंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस राजस्थान की आवाज को अगर राजस्व मंत्री जी रोकने का प्रयास कर रहे हैं, अगर रोकने का प्रयास, अगर ये कह रहा हूँ तो उनको सजा अपने आप मिलती रहेगी, अपने आप समय समय पर जो अपराध करता है, जो पाप करता है, जो गलत रास्ते पे चलता है उनका तो अंत निश्चित है जी। अगर मैं तो ये कहूँ कि जैसे जी न्यूज ने कहा है या किसने कहा है, नहीं राजस्थान का ऑथेंटिक है ये, कोई ऑथेंटिक है उनका हाँ। तो हमारे यहाँ बाड़मेर की जनता में मैं आपको निवेदन करूँ कि 36 ही कौम साथ में खड़े होकर के रही है और एक पूरे राजस्थान की आवाज बनाई है। अब इसमें CBI जांच का मतलब ये है, कौन साथ में है, चाहे भाई हनुमान जी साथ में क्यों नहीं हो, नाम जी साथ में क्यों नहीं हो, दूध का दूध पानी का पानी साफ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो ये और इससे पहले कोई वार्ड के माध्यम से कोई किसी पे आक्षेप लग रहा है या नहीं लगा रहा, जब सत्यता सामने नहीं आ जाती है तब तक मैं आक्षेप लगाना उचित नहीं समझा। मतलब आपके हिसाब से किसी भी मंत्री का नाम लेना उचित नहीं है तथा कितने कहना ही चाहिए? बिल्कुल, किसी मंत्री का नाम लेना जब तक साफ तस्वीर नहीं हो जाती है तो अंधेरे में तो रोशनी जब नहीं हो जाती है तब तक अपने को इन बातों को गौण समझता हूँ। ठीक है, और भी कुछ अगर कहना चाहते हैं कि भविष्य में जब हमारी जरूरत पड़ेगी तो आप कैसे और किस प्रकार हमें सूचना देंगे ताकि हम लोगों को ये बता सके कि भाई संघर्ष समिति को और पीड़ित परिवार को आज हमारी जरूरत पड़ी है? मैं तो एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, इस प्रकार एक माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देते हैं घर में कि बेटा चोरी नहीं करनी, बेटा ये करना है। मैं उससे पहले तो नारायण जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान में नहीं पूरे भारत में आप सब जगह जा जा करके जिस प्रकार युवाओं के मन में बाकी वाले लोग तवार बंदूक सिखाते हैं और आप सेवा भाव से आ रहे हैं, मैं तो आपको कहूंगा कि आप जैसे समाज सेवी लोगों के कारण ही ये भारत में समाज व्यवस्था टिकी हुई है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हर 15 या 20 दिन के आसपास में जैसी जैसी रिपोर्ट हमको मिलती रही, जैसी जैसी परिस्थितियां होती रही, मैं खुद आपके सामने लाइव होकर के आपके ही इस पासवर्ड से लाइव होकर के सभी मेरे समाज के मित्र बंधुओं को सूचनाएं अपने करता रहूंगा मैं। मतलब कुल मिलाकर ये बात है कि आपके पास से जो भी कार्रवाई होगी वो समाज को समय समय पर पता चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात रही संघर्ष समिति, हाँ
और संघर्ष समिति पहले तो एक दायरा था संघर्ष समिति का, अब तो पूरे राजस्थान संघर्ष समिति है। और सभी का स्वागत है, सभी लोग जोश और होश और जुनून और शालीनता के साथ अपन जांच लेंगे। इसके अध्यक्ष जो बने थे बलराम जी, उनके पास कौन सा पद है, मतलब सरकार में वो क्या क्या रह चुके हैं, कौन सी पार्टी में रह चुके हैं, क्या कर रहा है आज तक, बाड़मेर उनके बारे में विस्तार से बताएं जरा। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद में वो नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं, बाड़मेर सभापति रहे वो। जी जी जी, बहुत बड़ी बात, नगरपालिका के अध्यक्ष रहे हुए हैं। उसके बाद में अभी इन्होंने जसवंत सिंह के परिवार के साथ में, जसवंत सिंह जी जब चुनाव लड़े थे उस टाइम जसवंत सिंह खेमा अलग हुआ था, उस टाइम में बलराम जी भी बीजेपी छोड़ दी थी। उसके बाद में आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी कांग्रेस ज्वाइन की थी, तो उस टाइम में बलराम जी ने एक कार्यकर्ता के रूप में, मानव सिंह कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया था। कांग्रेस या बीजेपी वो किसी भी पार्टी से नहीं है और बिल्कुल व्यवस्थित। चलो चलो, बढ़िया बात, सेवा कर रहे। मैं ये कहता 36 कौम के लोग साथ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, क्यों मेरे पास सुनिए मेरी बात, मेरे पास भी लोगों के फोन आए हैं, राजपूत समाज के आए हैं, यहाँ राजपूत समाज के भी आए हैं, चौधरी समाज के भी मेरे पास फोन आए हैं, यहाँ के बाड़मेर लोकल के बोले नारायण जी अगर इस काम में आपकी हमारी पड़े तो कहना। मदन जी भी बहुत अच्छा सहयोग था, राम जयेंद्र का सहयोग था, बाड़मेर से अपने हनुमानगढ़ की टीम का सहयोग था, यहाँ के पूरे बच्चों का सहयोग था, लेकिन इनका मनोबल ना टूटे। आप अगर कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की अनहोनी हो, चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप हमें हर बार 10 या 15 दिन में सच्चाई जरूर बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको ये भी वादा दिलाता हूँ कि बाड़मेर की 36 को अगर अपने साथ अन्याय होता है तो वो कंधे से कंधा मिला करके, इतना मुझे पूरा विश्वास है कि 36 कौम की कंधा से कंधा मिला करके बजाएंगे। और नहीं है कोर्ट द्वारा भी अपनी तरह कोशिश चल रही है। बिल्कुल, एक वो है आप राजस्थान कोर्ट, मैं इसमें संज्ञान लेते हुए 482 को स्वीकार करते हुए 35 लोगों को नोटिस लगवाया है, सरकार को नोटिस दिया हुआ है, सरकार वापस जवाब देगी। दोस्तों 9 जुलाई को है, और उसके बाद में हाई कोर्ट तो अपने आप में एक उच्च कोर्ट है, राज्य स्तर का, तो अन्याय के विरुद्ध तो हमारे पास कोर्ट में भी, कोर्ट ने भी हमारा बताया भारतीय स्वागत अपने लिए। चलो ठीक है, दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरी विस्तार से बात हुई हनुमान जी से, उन्होंने बेबाकी से और अच्छे जवाब दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब समाज का कोई भी सवाल बाकी रह गया हो। मैं मानता हूं मैं उत्तेजित होता हूं, मैं मानता हूं मैंने कहा है कि भाई नेताओं का कुत्तों का प्रवेश वर्जित हो, मैं मानता हूं मेरे ये अपशब्द है, लेकिन ये अपशब्द मेरे नहीं है। मैं फिर कह देता हूं, मेरे उन युवा जोश के अपशब्द हैं जिन्होंने मुझे बार बार कहा कि नारायण जी कुछ तो करना चाहिए, ऐसे ऐसे शब्द लिखना चाहिए, ये चीज करनी चाहिए, वो चीज करनी चाहिए। और युवाओं की बात मैं सोशल मीडिया पे इसलिए रख रहा हूं ताकि किसी के मन में ऐसी भावना ना हो कि यार नारायण जी ने मेरी बात नहीं रखी, इसलिए मैंने आपकी बात रखी। उसका जवाब इसलिए लिया कि ये पढ़े लिखे सुलझे हुए और कानून के अच्छे जानकार और वकील हैं, और जो अध्यक्ष है वो सभापति रह चुका, सभापति का मतलब समझते हो, मेंबर होना भी बड़ी मुश्किल की बात होती है, आदमी सभापति रह चुका है उसे संपूर्ण ज्ञान है, नेताओं से अच्छी पकड़ है, और पीड़ित परिवार को भी पूरा भरोसा है। मैंने आपको पीड़ित परिवार का वीडियो दिखाया था, अब मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कमलेश प्रजापति हत्याकांड में जब तक वकील साहब की तरफ से ये नहीं कहा जाता कि भाई हमें आंदोलन करना चाहिए या हमें सड़कें रोकनी चाहिए या हमें ये करना चाहिए या हमें सांसद घेराव करना चाहिए, तब तक आप लोगों को केवल शांति बनाए रखनी है, आपको किसी प्रकार की उठपटांग हरकत नहीं करनी है, किसी भी नेता का नाम नहीं लेना है। ये मेरा कहना नहीं है, पीड़ित परिवार का भी यही कहना है। पीड़ित परिवार ने घर से कहा था कि राजस्व मंत्री का या किसी भी मंत्री का आप नाम नहीं लोगे, और यही बात संघर्ष समिति ने कही है, यही बात डूंगरराम जी गेदर ने कही है, यही बात मदन जी ने कही है। ये सभी लोगों को देखो, मेरी व्यक्तिगत राय काम नहीं आएगी, ना आपकी अकेले की व्यक्तिगत राय काम आएगी, समाज को सच्चाई जानना चाहिए, सच्चाई के साथ पकड़ना चाहिए। अब मैं अल्लाह करूं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं कर दूंगा, बेंगनी नहीं होता, फालतू में हीरोगिरी करना उचित नहीं लगता। मैं वही काम कर पाऊंगा जब मुझे संघर्ष समिति या पीड़ित परिवार मेरे पीठ के पीछे खड़े होकर कहेगा नारायण जी आप आगे मैं पीछे, उस दिन भले ही मर जाऊं आगे खड़ा रहूंगा। अगर पीड़ित परिवार कहेगा कि नारायण जी मेरे पीछे खड़े रहो तो मैं हमेशा उसके पीछे खड़ा रहूंगा, उसको छोड़ूंगा कभी नहीं। इस बात को आप समझ गए होंगे, इस वीडियो को शेयर करें। मेरे साथ जो लोग थे मैंने आपको दिखा दिया, एक बार पुनः उन सबके दर्शन करवा देता हूं, उनका परिचय ले लेता हूं।
सर आपका परिचय? मेरा नाम स्वरूप प्रजापत देवास फिल्मगर। आप बाड़मेर की हो? जी। हरीश प्रजापत। हाँ, कहाँ के हो? इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर। बाड़मेर के साहब आपका नाम? कर रहा हो बाड़मेर। नाम? कैलाश आजाद प्रजापत। बताओ मुझे साहब नाम बताओ। कटारा हो? और देखो कटो बाड़मेर जिला में है। ठीक। प्रजापत इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर। हाँ यूँ प्रजापत बाड़मेर रहता हूँ। ठीक। रोमारा प्रजापत गाँव नौसर जिलो बाड़मेर। गिरधर राम प्रजापत गाँव नौसर जिलो जिला बाड़मेर। साहब ए थोड़ो मास्क कटो बार कोरोनो कोनी वदा नाम गारंटी तुम्हारा पर्चा बिना पकड़ दो गज की दूरी है हम से मत चली को कंट पड़नी चाहिए कौन है बिल्कुल ठीक है साहब। अरे माय मास्क राम प्रजापत इंदा कोलन बाड़मेर चंद्र प्रजापत बाड़मेर। साहब बॉडीगार्ड रमेश प्रजापत बाड़मेर। सब रात राम प्रजापत बाड़मेर। साहब राम प्रजापत इंदा कोलन बाड़मेर। साहब मैं जोधा राम प्रजापति गांव जाजवा और राज निवास पोकन जिलो जिला बाड़मेर। साहब सवाई प्रजापत बाड़मेर। साहब लिख दियो ये सबका मैंने आपको परिचय करा दिया। वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके शेयर करें और इस बातों को ध्यान रखें। धन्यवाद।